हम उस गुरु को मनाने जा रहे हैं, उस गुरु के दिन को मनाने जा रहे हैं जिनके बिना हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। गुरु के बिना जीवन की कोई दिशा नहीं है, गुरु के बिना जीवन की कोई दशा नहीं है। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा गुरु कौन है? विश्व का सबसे बड़ा गुरु है शिव पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, जो निराकार है, जो सुप्रीम लाइट है, जो प्रेम का सागर है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी शिक्षा से पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु का न सिर्फ आज बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हर रोज, हर जीवन के हर क्षण में हमको उनको याद करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उनके ज्ञान से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी कैंडल लाइटिंग के लिए मिसेस मीरा कोडे जी को, जो सरस्वती हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की चेयरमैन हैं। मिसेस मीरा कोडे का तालियों से स्वागत। ललिता बहन, हर्षा बहन, पूनम बहन, आइए आइए कैंडल लाइटिंग कीजिए। मंजुषा बहन, मीरा दीदी जी, प्रभा दीदी जी, रूचा जी, रसिका जी, आवा जी, अनगा जी, टीचर्स हैं यानी गुरु शिक्षक। थैंक यू।
जब 3 महीने का बच्चा मतलब माँ के पेट में होता है तो मूवमेंट आता है, विच मीन्स द सोल एंटर्स द बॉडी एंड एनिमेट्स द बॉडी, ब्रिंग्स मूवमेंट इन टू द बॉडी. सो बॉडी अपने आप में कुछ नहीं करता है. एंड जब हम लोग बोलते ना कि शरीर छोड़ के गई, डेथ इज वॉट द आत्मा लीव्स द बॉडी. एक होता है फिजिकल डेथ, दूसरा होता है स्पिरिचुअल डेथ. पहले आत्मा निकल जाती है, फिर 6 घंटे के बाद शरीर का फिजिकल डेथ होता है. सो बेसिकली आई एम दिस सोल एंड आई हैव एंटर्ड इनटू मेनी मेनी बॉडीज. इसके पहले मैं कई बॉडीज में था. सो बेसिकली आई एम चेंजलेस. ओके, आई एम अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट विच इज गॉट नो स्टोरी एक्चुअली, बट जब मैं एंटर होती हूँ बॉडी में तब एक स्टोरी बनता है, कैरेक्टर बनता है. पर अगर मैं बोलूँ मैं एक आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, तो आई हैव माई ओन प्रॉपर्टीज, आई हैव माई ओन टैलेंट्स इन गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई बिलोंग टू अ सोल वर्ल्ड. एक दुनिया है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, परमधाम जिसको बोलते हैं, शांति धाम जिसको बोलते हैं, परलोक जिसको बोलते हैं, निर्वाण धाम जिसको बोलते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स हैव अ डिफरेंट नेम गिवन टू दिस वर्ल्ड, लेकिन आए हैं हम सब उस दुनिया से एंड उस दुनिया में हम सबका एक सुप्रीम सुप्रीम स्टार है. ही इज कॉल्ड एज गॉड, द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट. तो गेम हमारा कैसे चल रहा है? ट्रायंगुलर गेम है, 3 पॉइंट्स का गेम चल रहा है. गॉड, आई द सेल्फ एंड नेचर. सो व्हेन आई एंटर दिस मैटर, तो मेरे अंदर एक इनेट पावर है, इनेट सॉन्ग है जो मैं आकर के यहाँ पे प्ले करती हूँ, इनेट क्वालिटीज हैं. और वो क्वालिटीज कौन सी है? गॉड लाइक क्वालिटीज हैं. सो व्हाट इज राजयोग ऑल अबाउट? ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज हैं उसको मुझे डिसकनेक्ट करना है. आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी. आई एम रूलिंग दिस बॉडी, आई एम गवर्निंग दिस बॉडी. I am the king of this body. I am the master of this body. And then Raja Yoga. Yoga is union. Union with the highest point of light. God, who is the source of all powers, all values, Sukh ka sagar, Shanti ka sagar, Pyar ka sagar, jo sarva dharma manye hai, jo sarva ka mata pita hai. To ameva mata, shpinda, pita, bandhu, sakha, swami, sarvasva tumin. So Raja Yoga is connection with the highest source. It's not connection with any Devi Devta. It's not connection with Buddha, the prophets, okay? I do respect all the prophets. I do respect all the stars, all the human beings who take birth. Lekin ek Bhagwani hai jo ajanma hai, abhogta hai, akarta hai, jisko Hindu dharam mein Shivling ke roop mein depict kiya gaya hai. Christianity mein they say there's a supreme light which enkindles all the lights. फिर बुद्धिज्म में उसको कहते हैं चिंकॉन सेकी, शांति दाता. देयर इज अ स्मॉल स्टोन गिफ्ट. मक्का मदीना में एक ब्लैक कलर्ड ओवल स्टोन है. सी दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉड. तो वो पॉइंट ऑफ लाइट के साथ कनेक्शन जोड़ना, दैट इज कॉल्ड राज योगा, किंग ऑफ ऑल द योगास. सो वी आर नॉट कनेक्टिंग टू एनी देवी देवता. ऑफकोर्स वी आर रिस्पेक्टिंग द देवी देवता बिकॉज दे आर लैडर्स. ओके, हायरार्की है बना हुआ. एक है परमात्मा लेकिन उनके नीचे है देव आत्मा, उनके नीचे है धर्म आत्मा, उनके नीचे है महान आत्मा, हुतात्मा. देन वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स, ओके, मनुष्य आत्मा. फिर हमारे नीचे है पाप आत्मा, बुराई वाली आत्मा. सो राजयोगा का प्रोसेस क्या है? वी कनेक्ट टू द हाइएस्ट सोर्स, दैट इज परम आत्मा. And as we connect to that Paramatma, we get all the powers, all the qualities which are all present. And Paramatma hi hai jo ye journey humko karwate. And step by step, we move further ahead in the journey. Agar main Papatma hu, remembering God, we become Manushyatma. Okay? Aaj bolte hai, Manushya janwar nahi hai, par janwar se bhi badhtar hai. Right? So, janwar se pehle bano Manushya. Then Manushya se bano little bit better, okay, like teacher quality, I can say. Yes? Then again, rise up more higher up, जिसकी थोड़ी पूजा होती है.
will be remembered after death. जिस समाज ने अच्छा काम किया हो और ऊपर जाओ फिर हमको सोसाइटी लेवल पे पूजा, उसको हम बोले देवी देवता, सरस्वती, दुर्गा, अम्बा, काली, लक्ष्मी. एंड द हाईएस्ट इज व्हाट? परमात्मा, परमात्मा शिव. तो राजयोगा इज कनेक्टिंग टू गॉड फादर शिव. दोज हु वांट टू लर्न राजयोगा, दे कैन, दे आर वेलकम टू सी. ओम शांति. बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चों के अंदर गुड भी है बैड भी है. द टीचर हैज टू टॉलरेट द मिस्टेक्स, द फॉल्स, द डिफेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड एंड जस्ट फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ द चाइल्ड. इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट सो इजी. इस पहला विजन क्या होता है, बच्चा ऐसा करता है. पर हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आई हैव टू होल्ड दैट कॉन्स्टेंट विजन, कीप माई आई फोकस्ड ओनली ऑन ए स्ट्रेंथ. भले वो वन पर्सन स्ट्रेंथ हो, पर वो वन पर्सन स्ट्रेंथ को होल्ड करना, टॉलरेटिंग हिज वीकनेसेस, बट एट द सेम टाइम होल्डिंग दैट वन पर्सन ऑफ द स्ट्रेंथ इन माई माइंड एंड कीपिंग दैट विजन सो हाई, तो वो उसको एम्पावर कर overcome his weaknesses. Now these are the values which we are learning in this organization. TE. E stands for? Come on, I should know better than me. Well, I'm this profession. E stands for? What is the teacher's role? E stands for? Education. Very good. It comes, education. This word comes from educare. Education words, word comes from, it's a Latin. Energy. Yeah. I'll just take up one more word. Education word comes educare. Educare means to educe from within. हम लोग बच्चों को बहुत सारा information feed करते हैं, bombard करते हैं बाहर से. But real education is actually a form of intuition. बच्चे को दिल की ना सिखाया नहीं जाता है. बच्चे के अंदर वो natural conscience It's a gifted, okay? Basically, every child is born with a crown chakra which is completely open. Maa uske crown chakra ko block karte hai. Papa uske crown chakra ko block karte hai. Becha, ye 500 ka nahi, ye 2000 ka nahi. Okay? Becha, ye South Indian hai ya North Indian? Becha, ye Indian hai ya American hai? Because mothers are not educated. Teachers ka kaam kya hai? To open that crown chakra. Isliye teacher ka role, teacher ka importance, maa se zyada hota hai. Okay, another word, what you said? E stands for? Efforts. Efforts, yes, good. Aur yahi kaam humko karna hai. That's the effort that I have to put. To tap the potential of the child continuously under se usko nikalna. See, every child has to tare zameen pe movie dekha hai, everybody, all teachers must have seen. So hum log har ek ke andar ek strength hai, ek weakness. Okay, sir, hame humko pata hona chahiye hamara strength kya hai, hamara talent kya hai. Aur teacher ka kaam hai, it is the role of the teacher to bring out that latent talent, that dormant talent which is hidden within the child and which is guided. Bachcha paintbrush ke saath khel raha hai aur aap usko la kar ke pen, ink pen, ball pen, jet pen. Aap samajh rahe hain ki kya aapko padhna hai, doctor banna hai. This is the way the mama's treat the children. Kyunki mera khandan doctor hai, heredity hai doctor ki, so you also have to become a doctor. But what is the role of the teacher? उसके हाथ से वो पेन हटा करके उसको पेन ब्रश देना. इफ एवरी चाइल्ड इज नॉट दैट वे, मैं ये नहीं बोलती हूँ एजुकेशन इज बैड, एकेडमिक्स इज बैड, पर ग्रेड डाल करके ना हम लोग बच्चों को लिमिटेशन में डाल देते हैं. अगर हर एक बच्चे को ये पता हो कि आई हैव टू वर्क फॉर द यूनिवर्स, हर एक बच्चे को ये अंदर बुद्धि में डाला जाए कि आई हैव टू वर्क फॉर गॉड,
have to serve mankind, then automatically uske andar ka jo talent hai, speciality hai, wo bahar use hota jayega. And uske liye usko effort nahi put in karna padega, because uske usko hai, it's born, like everybody DNA ke andar hota hai wo talent. Aap samajh rahe hain? हम बोलते हैं मनी के लिए हमको पढ़ाई करना है, बेसिक पढ़ाई, यस, बट देन अगर मनी कमाई करना है तो आपका प्रोफेशन वही होना चाहिए जो आपका टैलेंट है. अगर टैलेंट के अनुसार प्रोफेशन चूज किया जाए, मे बी आई हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन इन द वर्ल्ड, बट इज द टीचर्स ड्यूटी टू गाइड द चाइल्ड प्रॉपरली इन द राइट फील्ड. ओके, एंड व्हाट एल्स यू सेड, बी फॉर Energy. Yes, beautiful. Wow, that's beautiful. So the teacher comes in into the classroom with a negative energy, bringing all her pressures, her pains, or jo bhi sabko hota hai. Okay, nobody's family life is totally perfect. Agar wo agar lati hai classroom mein, do you think the child will get the right set of energy? Not at all. Isliye, to get your energy positive, every day the teacher has to do some kind of a meditation. Get connected to God. If you are tuned to God, okay, you get, these are part source, means the energy source. One is you get the energy from your own self, just talking to yourself, silencing your mind. Aajkal quiet time believe karne lagta hai. Quality time believe, quality time with your own self, okay? Journaling, every day you need to write a letter. Yourself and to God. मैंने क्या किया, ओके, कि ये चीजें, you built up your energy throughout the day. जैसे हम बीच बीच में कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक्स लेते हैं, इसी प्रकार से माइंड को, थॉट्स को फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए. अगर टीचर को ये काम आता है तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को राइट वे में गाइड कर सकते हैं. सिर्फ बोलना बी हैप्पी, डोंट गेट एंग्री, don't shout, that is not the solution today. The method, the right method needs to be taught, ki gussa kaise nahi karna, shaant kaise rehna. And here it comes the role of the Brahma Kumaris. Okay, then TE, A stands for, a teacher should be affectionate. Affectionate, wow, beautiful. Affectionate. अगर अफेक्शन की बात मैं करूँ, आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल यू ऑल टीचर्स नो, जो बहुत सारा स्टोरी ये वायरल हो गया, एक बच्चा था जिसकी मॉम ने शरीर छोड़ी, एंड वो बच्चा स्कूल में आता था वेरी शैली ड्रेस्ड, लेस कभी नहीं जूते का उसका लगता था, लेट आता था, जिसके बॉक्स में हाथी कभी कुछ होता था, एंड ये टीचर उसको ऑब्जर्व करती, something is wrong with the child. It so happened teacher's day hua. This is story ko bahut viral hua tha, ye saal hi hua tha in teacher's day. So bachcha ek half bottle which was half filled with perfume, aur usko bhi bahut gande tarike se wrap karke and dirty paper wo teacher ko gift karta. So teacher ko laga something is really bad, you know. So usne kya kiya, she started just following the child. बच्चे के घर में गई, एंड शी फाउंड आउट कि फादर भी नहीं है, मदर भी नहीं है. उसने एक्स्ट्रा अफेक्शन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव दिखाना शुरू किया, हेल्पिंग द चाइल्ड विद एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल. उसको अच्छी तरह से ग्रूम अप किया, ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर. टीचर भूल गए, तो सो मेनी पीपल कमिंग टू यू, यू हार्डली रिमेंबर देम. वो आईएएस ऑफिसर हो गया, उसका शादी था, यू वोंट बिलीव, फेरा लेते हैं शादी के टाइम पे. फेरा के बाद में पहला ब्लेसिंग्स किससे लिया जाता है, मॉम से. एंड इसने क्या किया था, अपने टीचर को इनवाइट किया था एज मॉम, मॉम की जगह पे वो टीचर का नाम डाला था, और उसको बुलाया उसने शादी में. और फेरा लेने के बाद सबसे पहले उसे जाकर के वो टीचर से ब्लेसिंग दी, फीलिंग्स अ वेरी प्राउड थिंग, कि मॉम से भी बढ़कर
क्या किया, लिटिल बिट एक्स्ट्रा अफेक्शन। बाद में पता चला ये जो बॉटल थी ना, सीक्रेट बाद में बुलाई, जिस बॉटल थी उसकी मॉम यूज करती थी और मॉम शरीर छोड़ दिया तो उसको बॉटल ऐसे ही पेंडिंग थी। एंड चाइल्ड डिड नॉट नो ना टीचर्स डे पे क्या गिफ्ट करना है टीचर, तो जो उसका मॉम के प्रति ना अफेक्शन था वो अफेक्शन सेम उसने ट्रांसफर किया आपने टीचर को एंड गिफ्ट किया वो बॉटल कॉफी। अब समझ रहे हैं अफेक्शन और ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। अटेंशन यस, where attention goes, energy flows, life grows. Pura khel life ka attention. Pehla question ye hota hai, main class mein kitna 100% rehta hu? Question ye hai. Kai baar hum kya bolte, acha aap padhai karo, we are somewhere else, we are caught up with our personal set of problems. Samajh mein hai? हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है, किसी टीचर ने कुछ रिमार्क पास कर दिया, सम जेलसी फैक्टर इज गोइंग ऑन, रेड टेपिज्म इज गोइंग ऑन, कुछ चीजें मुझे बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, एंड बाहर में तो वेरी मोनोटोनस ना, सेम सब्जेक्ट सेम थिंग सेम चिल्ड्रन इन द क्लास। So how much am I attentive? And how much can I grab the attention of my students? Jitna main 100% focused rahi hu, I'm giving the right kind of energy to the child so that the child grows and grooms up in the right manner. And usne bhi beautiful baat hai, koi aapke saath saamne lily hai, koi lotus hai, koi champa hai, koi chameli hai. अब समझ रहे हैं, यू हैव टू बी अ परफेक्ट गार्डनर, आपको पता होना चाहिए इसको कितना अमाउंट ऑफ अटेंशन देने की जरूरत है, इसको कितना अमाउंट ऑफ अटेंशन दे, बैक बेंचर्स हैं, डल हेडेड स्टूडेंट्स हैं। हमारी दादी जानकी ना, एक बार ऐसे हुआ, ब्रह्मा बाबा जी से फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दादी जानकी शी बिकेम द थर्ड हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन when she was very small, वो अपना स्टोरी सुना भी थी। कहते हम जब ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, हम तीन चार लोग इकट्ठे जाते, ब्रह्मा बाबा कभी मुझे देखता ही नहीं था, and I used to feel so bad, Baba's not looking at me, Baba's looking at others. तो एक दिन दादा बाबा को जाकर कि बस नहीं मिल रहा, बाबा को कहा, बाबा मैं जब भी आती हूँ आप कभी मेरे पे अटेंशन नहीं देते, आप दूसरों को ज़्यादा अटेंशन देते। बाबा ने कहा, the weakest, the dullest, need the maximum. अब समझ रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ अटेंशन मुझे किसके ऊपर क्लास में देना है। टीचर शुड बी एबल टू सेंस दैट, और जिस टीचर ने ये सेंस करना शुरू कर दिया, आई थिंक शी बिकम्स अ मास्टर। द मोस्ट डल हेडेड स्टूडेंट्स की रिसर्च किया गया था, ऐसे हुआ था कि एक प्रिंसिपल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, जो सबसे क्लास में डल स्टूडेंट्स थे कुछ फाइव को सिलेक्ट किया, एंड जो सबसे क्लास में टॉपर्स थे फाइव को सिलेक्ट। अब टीचर्स को क्या बताया गया है, बैक ऑफ द माइंड ट्रेनिंग उनको दिया गया कि जो डल हेडेड स्टूडेंट्स हैं, टीचर को ये इंफॉर्मेशन दिया गया कि दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। एक्सपेरिमेंट जो सबसे टॉपर्स थे, टीचर को ये बोला गया था कि ये सबसे वीक है, टीचर का माइंडसेट, टीचर का हेटरो सजेशंस, ओके, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का बिहेवियर, टीचर का जेस्चर, एवरी मूव, एवरी हैंड, ओके। मुझे याद है मेरी स्कूल की टीचर, आई विल नॉट रिमेम्बर ऑल माय टीचर्स, बट आई रिमेम्बर माय केजी टीचर, द वे शी ड्रेस्ड अप, द वे शी वॉक, एक अलग ही ग्रेस था, एक अलग ही चार्म था, यू वुड वांट टू कॉपी हर, ऐसे साड़ी की ना ड्रेप ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बनना है, बिकॉज़ वी आर रोल मॉडल्स ना। हीरो हीरोइन कैसे होते हैं, वैसे टीचर्स होते हैं बच्चों के, हीरो हीरोइन, यस,
सो उसने एक्सपेरिमेंट जब किया तो जो सबसे डल थे उनको बोला गया ये स्मार्टेस्ट है, मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट्स, और जब से जो सबसे वीकेस्ट थे उनको बोला ये डल स्टूडेंट्स। एक साल के बाद जब रिजल्ट निकला, वेरी सरप्राइज, एक्चुअली जो सबसे क्लेवर स्टूडेंट्स थे उनको लो ग्रेड्स में, एंड जो डल स्टूडेंट्स थे उनको टीचर का काम है एक पॉटर बनना, पॉट कैसा बने उसका डिजाइनिंग, दिस क्ले इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, अब उसको कैसे मोल्ड करते, जस्ट विद द थिंग ऑफ टेंशन, किस टाइप का अटेंशन मैं देता हूँ, किस टाइप की एनर्जी मैं प्रोवाइड करता हूँ, कितना मैं टॉलरेट करता हूँ, दीज आर ऑल ओके वैल्यूज। Next, see, come on, care, affection, okay, C-E-H, stands for, honest, H, you, the teacher who has a maximum ego, his learning process khatam ho jata, jisko ye feeling hai ki I am an instrument of God and I have to keep learning and growing throughout my life, becomes the best teacher. The teacher who can teach herself throughout her life, we are all lifelong learners, okay. कुछ चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती, कुछ चीज़ें लाइव सिखाती हैं, कोरोना ने सिखा दिया, यस, लाइफ ने सिखा दिया, डिजास्टर सिखाते हैं, तो अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं देन वी कम एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद देम, बिकॉज हम 100% नॉलेजेबल नहीं हैं, God is the ocean of wisdom. And if I keep taking knowledge from God throughout, keep learning and reading from all sources, okay, chota bachcha bhi mujhe sikhata hai. If I keep learning, if I can be a good learner, I will, with humility, I can teach others. E, another E. Role of the teacher. Eager. Okay. Eager for what? पढ़ाने की उत्सुकता होना चाहिए. Yes. Keen to teach, keen to learn. Okay. और E stands for, और बताओ. Enthusiastic. Enthusiastic. Yes. आज हम कितना enthusiastic होते हैं बताओ. And हम सोचते हैं हमारे बच्चे भाग भाग के हमारे क्लास में आने चाहिए. इसके पास आते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एनकरेजमेंट, कितना एप्रिशिएटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कितना क्रिटिकल लैंग्वेज यूज करते हैं क्लासरूम्स में स्पेशली, कितना डूज का लैंग्वेज यूज करते हैं, कितना डोंट्स का लैंग्वेज यूज करते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एनलाइटनमेंट, गुरु का काम क्या होता है, स्वयं प्रकाश में रहना, अंधकार को मिटाना, अंधकार इन एनी फॉर्म आई से, सबसे बड़ा अंधकार अभी क्या चल रहा है, कर्म का अंधकार चल रहा है, द होल कर्मा साइकिल इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, ई आर आर स्टैंड्स फॉर, अभी प्लीज आर स्टैंड्स फॉर डिवाइड, रिवाइव, वेरी गुड, कितनी बार हम रिवाइव कर सकते हैं, रिलाई, ओके, गुड, टीचर रिलायबल है, स्टूडेंट कैन ट्रस्ट अपॉन यू, रिवाइव कैन यू एक्सप्लेन दिस, रिवाइव कैन यू एक्सप्लेन, रिवाइव मींस व्हाट, हम वही सी क्लास में हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है,
पर वो सब्जेक्ट को हम कितना रिफाइन कर देते हैं, रिविजन करवा के कुछ एक नया क्रिएटिव इनपुट डाल कर, रिवाइव मीन्स आफ्टर डाइंग समथिंग न्यू क्रिएशन. सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द सेम, सिलेबस इज गोइंग टू बी द सेम, 5 साल तक चेंज नहीं होगा. पर हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, समथिंग न्यू कैन बी एडेड ऑन, एनर्जी कैन बी सम फ्लेवर, थोड़ा स्पाइस चेंज कर सकते हैं. चीज नहीं है, वड़ा पाव बनाना है, तो वड़ा पाव में थोड़ा कलर चेंज कर दिया, फ्लेवर चेंज कर दिया, दैट्स कॉल्ड रिवाइव. ओके, सेम थिंग इज रिवाइव, न्यू एनर्जी, ब्रॉट इन न्यू एनर्जी इन टू द सेम सब्जेक्ट, same matter, same content, reline, okay? लोग कितना मेरे पे trust कर सकते हैं, बच्चे कितना trust कर सकते हैं. And one more, I think this is more important, responsible. How much do I understand my responsibility? First towards myself, second is towards my family. अगर मेरे family में problems है, I don't think I can be effective. Do I really take care of my family? Do I have the blessings of my family when I go to work? जिस टीचर ने अपने घर में अपने बच्चों से अपने पति से ब्लेसिंग्स नहीं लिया है, I don't think स्कूल में जाकर के किसी और बच्चे से ब्लेसिंग्स ले सकते. Do I understand that responsibility? Self care का responsibility है देखो. Is my health permitting me to be a teacher? Is my mental health permitting me to be a teacher? अभी कोरोना में हमारे पास जितने टीचर्स आए कहते थे कि इतना डिफिकल्ट है, यूजुअली क्लासरूम में इंटरैक्टिव सेशंस होते थे, यू गेट एनर्जी फ्रॉम द चिल्ड्रन, यहाँ पे तो ऑफलाइन ऑनलाइन इतना डिफिकल्ट होता है, जूम को मैनेज करना, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड वन मैन शो स्क्रीन एक साइड से चल रहे हैं, कभी कभी बच्चे खेल रहे हैं, यू नो पीछे बच्चों के क्या क्या चल रहे हैं. It was really difficult, but you have really survived through, okay? So you have that capacity, na? Warriors hain, hum corona warriors ki baat kar rahe hain. Real warriors are the teachers. So the teachers mein teen category. Class mein history teacher. Okay. Explain kar rahe hain. Bola kaise ki bola? Class mein hum jaate hain, to ek teacher bolte hain, main class mein jaati hun na. जैसे बच्चों मुझे जाकर के क्या पढ़ना, हिस्ट्री को पढ़ाना है, वो मुझे बाहर हाथ है. दूसरी टीचर जाते कि नहीं, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, ओके, माय चिल्ड्रन शुड बी ग्रूम्ड अप टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड लेवल. तो शी गोज विद ग्रेट प्राउड स्पार्कल इन हर आईज, मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ. And I'm teaching the values of his street, his stories. Yeah. The third teacher, she says, subject 88. That is, history hi padhana hai. Aur kya padhana hai? Dusri kehti hai, his story sunana hai, values batana hai, jisse unko inspiration mile. Aur tisri kehti hai, I'm going to create the history of the nation. मेरा अप्रोच क्या है क्लासरूम में, मैं जाती हूँ मेरा पीछे बैक ऑफ द माइंड चल के आ रहा है, डू आई टेक माई होम टू माई स्कूल, डू आई टेक माई स्कूल टू माई होम एंड देन बैक अगेन, इट्स अ विशियस साइकिल गोइंग ऑन एंड ऑन, और डू आई कीप टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन, पॉजेस इन बिटवीन. हम बोलते हैं रेड लाइट है, रुक जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, वो सिग्नल फॉलो करते हैं ना, यहाँ पे रोड सिग्नल को ही फॉलो होता है. एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, सिट डाउन, रिलैक्स, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, रिचार्ज, रिफिल. मोबाइल भी अगर अब आजकल क्या लेके घूमोगे, मोबाइल के साथ चार्जर तो ठीक है, आजकल वो क्या पावर बैंक लेके घूम रहे हैं.
यहाँ का पावर बैंक है हमारे पास, मेंटल कैपेसिटीज है. एक और कोरोना आ जाए अभी रेडी फॉर द शो. पूछ के आएगा. द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल, द मोस्ट एजुकेटेड क्लास के, उन्होंने वर्ल्ड को डिफाइन किया है. दिस वॉज बिफोर कोरोना. They call this world as VUCA world, V-U-C-A. V stands for volatile. Volatile matlab bahut jyada changes. Okay. U stands for unpredictable, uncertain. Changes hai, lekin kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai. Achanak. पूछ के नहीं आएगा, बता के नहीं आएगा. सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स. दिस वॉज बिफोर कोरोना. ओके. ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्यूस. ऑल फेक न्यूज. इतना ज्यादा एक ही इवेंट को इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव से, इतने अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको. यू रियली डू नॉट नो व्हाट इज द राइट पर्सपेक्टिव. नाउ आफ्टर कोरोना की बात हो रही है. अब इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं द वर्ल्ड इज मोर एंड मोर, व्हिच मींस दे हैव कैलकुलेटेड दिस 30% इंक्रीज इन द वुका प्रोसेस. Which means changes 30% बढ़ गया है in all levels. Okay. Political, family level. Family level का मैं अभी date बता दूँ. I think 2004 का survey बताऊँगी. So 1 in 60 divorce rate हो जाता है. Because they couldn't get along with each other, with their spouse. आगे का इतना मुझे clarity नहीं है, but if you talk about 2020, went gradually down, 1 in 40, 1 in 20. I'm talking about 2020 का. It's gone to 1:2. ढाई का calculation कैसे किया, I don't know. There's a divorce rate. You are not getting along. Maybe not divorced, but you're not getting along with your partner. Aaj ki tarikh mein, the ratio before corona and after corona has increased by 40%. Suicide rate before corona, after corona, increased by 17%. Anxiety, mental disorders increased by 30%. Because abhi complex world gaya, abhi aa gaya chaos world. Chaos mein kya hota hai? Complex mein difficult to solve word hai. Phir bhi solve ho jata. Complex mein kaisa hai? Cause equals to effect, but I don't know the cause, so I'm working on it to find out the solution. And yes, itna complex bhi nahi hai ki I can't find out the solution. Chaos mein kya hota hai? There are multiple causes and multiple effects which can't be correlated. किस कारण से क्या हो रहा है समझ में नहीं आया. दैट्स कॉल्ड एज कियोस, टोटल डिसऑर्डर. वी हैव रीच्ड द एक्सट्रीम ऑफ कलयुग. एक साथ एक के
चार मैरिजेस हो रहे हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन? ऑलमोस्ट अगर एक में से दो व्यक्ति का डिफिकल्ट सिचुएशन है, विच मीन्स वन पर्सन आउट ऑफ द टू इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मे बी नॉट बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, मे बी अ मेंटल सपोर्ट फिगर. चार लोग एक साथ एक रूम में बैठे, ऑल आर विद देयर मोबाइल फोन्स, नोबडी इज लुकिंग एट देम इन द फैमिली. किस कर्म का कौन सा फल है मुझे नहीं समझ में आता. इट्स बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. कौन से जन्म का मेरा फल है, कौन से जन्म में मेरा कौन सा पति था, इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड बिजनेस, ही इज बिकम माय बॉस टुडे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समबडी इज बिकम माय क्या बोलते हैं सेक्रेटरी, समबडी इज बिकम माय नेबर, इट कुड बी माय चाइल्ड इन सम बर्थ. द सोल इज इटर्नल. ये जो क्वेश्चन answer here, which none of the education system have right now, they answered by the Brahma Kumaris, they answered by God, which says soul is eternal. Tumne bahut sare janam liye, it's one birth I must be Anglo-Indian, some birth I must be Japanese, some birth I must be an American. Har birth mein फीलिंग्स थे, हर बात में कर्मास थे, हर बात में रिलेशनशिप थे, हर बात में संस्कार थे, पर्सनालिटी था, प्रोफेशन था, मैं कैरी फॉरवर्ड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, गिव एंड टेक था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल. सडनली लॉसेस हो रहा है. एक बंदा वाइंड अप करना चाहता है बिजनेस को, फिर ट्रैप हो जाता है डॉन के चक्कर में, इन्वेस्टर्स के चक्कर में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. फाइनेंशियल उसको वे आउट ही नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट एबल टू कम आउट. ट्रैप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्रोर्स एंड क्रोर्स एंड वी ऑल नो, हम सब टीचर्स हैं, आई थिंक वी ऑल आर एजुकेटेड. एक बच्चा माँ के पास आ रहा है, वो माँ का दूध नहीं पीना चाहता है. चलिए छोड़ने के टाइम उसने प्लान किया, मैं जाके इससे बदला लूंगा. And how do you get these answers? And where do you get these answers? None of our books. It's only in the spiritual organization. A question hai, question ka answer to mil gaya. Uska way out kya, solution kya? Because itna ambiguity hai, there are so many gurus around you. Jaane ga kiske paas jaane? Kaun sa healer, kaun sa astrologer? राहु भी है, केतु भी है, एट द सेम टाइम सब आपको डरा रहे हैं. ओके, देन शनि भी है, वो साढ़े साथी भी है. एनी माय पॉइंट? अब ये स्टोन पहनो, वो बोलते हैं वो करो, ये बोलते हैं ये खर्चा आएगा, ये गुरु के पास जाना पड़ेगा. सो मच एम्बिग्विटी अराउंड यू. डू टीचर्स हैव द राइट इंफॉर्मेशन to clear up all this mess of the universe? We all want to clear a better future for our children. Aaj bachon ki ye halat hai, concentration level if you talk. 20 minutes se zyada aaj ka survey hai ki 20 minutes se zyada. We have our class, our timing, I think in my time we had 40 minutes ka class. Ek period. Abhi kitna hai mujhe nahi pata. 40 minutes. 35 minutes will come down, right? But calculate kiya gaya hai, 20 minutes se zyada bachcha aapka concentrate nahi karega.
लुक एट द मोबाइल गेम्स ओके वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है. यस्टरडे अ पर्सन केम टू मी दीदी मेरा बच्चा वो हैरी पॉटर का कुछ है साइड से तो वर्चुअल थिंग वो सोचता है मैं ही हैरी पॉटर इज फॉरगेटिंग हिज ओन आइडेंटिटी. वो भूल रहा है मैं कौन हूँ. आइडेंटिटी को भी क्राइसिस है. परमात्मा कहता है एक्चुअली हम सबका आइडेंटिटी क्राइसिस है. वी आर ऑल इन अ वीडियो गेम where we have really forgotten the eternal truth that we are eternal souls. IQ is very good, information is very good, GK is very good, okay? But emotional intelligence, kya nahi hai? Can we control our emotions? At the spur of the moment, okay? We are in the Brahma Kumaris milieu. Under pressure, okay, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ ये मेडिटेशन एक्चुअली पिरामिड शेप के हमारे मेडिटेशन रूम्स पर जहाँ लोग जाकर के साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं एवरी आवर वन मिनट सॉन्ग प्ले. ट्रैफिक कंट्रोल दिस पर ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग वो प्ले होते हैं. टेक अ ब्रेक. Think before you speak. Think before you do. Think before you think. Is it the right thinking pattern? मैं अपने आप को क्या information दे रही हूँ. What do I think about myself? What I think about others? चलो EQ थोड़ा बहुत दे लिया कोई ने सिखाया नहीं है. I don't deny. I respect it the same. Is it sufficient? हम लोगों के साथ कभी कभी इतना अच्छा व्यवहार करते हैं at our own cost, at my own spiritual deficiency. क्यों? To please people. कितनी vibes है अपनी life को ruin कर देते हैं. Right? Just to please the husband. Boss को खुश करना. This is a tendency right now with the girls coming to me. दीदी boss को खुश करना पड़ता है. At what cost? पैसा कमाना है एट वॉट कॉस्ट. एट द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. एट द कॉस्ट ऑफ योर मोरालिटी. द होल वर्ल्ड एम्पावर देम एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड रिमूव देम फ्रॉम दिस रफ सिचुएशन. क्योंकि एवरीबॉडी इज एन अ मेस्ट्री. मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं जिसके दीदी अब नॉट इट्स टू मच. Too much. There should be proper knowledge. There should be proper. And here comes the role of. Okay, here comes the role of skill, spiritual question. And a spiritual understanding is now. And ये 1936 से शुरू हुआ. तब से लेकर के परमात्मा ने वार्निंग सिग्नल्स दिया. वेकअप कॉल करवाया. मे बी वी नॉट पेड एनी हीड टू इट. आई थिंक और आफ्टर कोरोना पीपल हैव गॉट दिस सेंस कि कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल संस्था से अपने आप को सुनने की जरूरत है. वे विल द राइट टाइम ऑफ सॉल्यूशन. परमात्मा को एंकर बनाने की जरूरत है. परमात्मा की जरूरत आ गई. नो ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व दिस सिचुएशन. व्हेन वी से गॉड इज द ओशन ऑफ नॉलेज. परमात्मा क्या है? ज्ञान का सागर. ही टीचेस द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर द न्यू एरा. ही गिव्स यू द राइट काइंड ऑफ नॉलेज फॉर इंबाइबिंग डिवाइन वर्चुअस एंड वैल्यूज. Only to be a good teacher, to be a good human being. You can be a good human being, you can always be a good teacher. Any profession you are. Ek achha human being, ek achha human doer. There will be a four subjects in our organization. Gyan, Yog, Dharana, Seva. Gyan is knowledge. Yog is getting power. Bal. इनको प्रैक्टिकल लाइफ खाली बोलने की बात नहीं है. बहुत 8 घंटा इज नॉट एक संन्यास की टाइम. लिव इन द लाइफ एंड
your crown chakra doesn't get blocked, that is a challenge. Live with your crown chakra. Perform your duty with total dedication, devotion, and don't be attached to the result. It is karma yogi. Karma ne kaadi karas. Yes. Karam kiya phal ki ichha nahi kar. Can I be detached from the results? Or do I keep expecting things from me? Rewards. A good teacher ka mujhe title nahi mila, mujhe appreciation nahi mila. I think we are sent for that purpose, na? Agar andar se wo enlightenment aa jaye, wo meditation ka touch aa jaye, wo divine touch aa jaye, तो देन वी बिकम इंटरनली मोटिवेटेड ना हम व्हाट में क्या फर्क पड़ता है किसी ने मुझे अवार्ड दिया नहीं दिया किसी ने पूछा नहीं पूछा डजंट मैटर एट ऑल धारणा इन योर लाइफ व्हाट इज धारणा से अबाउट दिस एंड देन से एंड आप तो एक फील्ड में हो ही पुण्य करते जा Like you are blessed, you know. It's like जब भी farewell party होती होगी, you will be the person like put elevated ना कितने सारे क्या बोलते हैं color roses आते हैं. So this is the chance of master मना प्राप्त करते हैं. Every child blesses you, and the best kind of way out from any kind of karma is blessings. But dhuaein hai, kisi bhi karmic problem se paak, could be financial burden, could be family problem. Agar mera bachcha, mera student mujhe bless karke jata hai, kide, teacher aapka bhala ho, this is the only thing on me, aapka achcha ho jata, because mera achcha kya ho. Mere pas koi bhi life ka challenge aata hai, na? Isse main free ho. But to earn blessings, I need to be connected to God. Otherwise, मैं भी आ जाता हूँ इस चक्र में. Okay? Corona में क्या हुआ? Fear, anxiety, simple food जिसको नहीं है green. That was the best enemy. अब तक तो बाहर enemies हम बोलते. Corona में भी वो facing our internal enemy. खाना खाना है हम कहीं जा नहीं सकते हैं ब्रांडेड चीजें चाहिए एवरीथिंग वी वांट ब्रांडेड ओके एडिक्शन हो गया था मटेरियलिज्म का मिला नहीं मिला तो मना बट जैसे बाजू में एक छोटा सा किराने का दुकान था चुपचाप जाकर के लेके आते वो भी डर डर के डिटैचमेंट हो गया कितने लोग अपने बच्चों के साथ नहीं मिल सके टू ईयर्स तक इन्होंने शरीर छोड़ दिया मुंह नहीं देख सके सो इट टॉट मी नो मेनी मेनी थिंग्स बट फिर जब कोरोना गया आई थिंक वी आर द सेम दैट बैक अगेन सब वही शॉपिंग चालू हो गया क्रेज चालू हो गया यू नो सी दीज आर ऑल टेंपरेरी थिंग्स इससे सॉल्यूशन नहीं है ऑफकोर्स आई डोंट से बाहर जाने से मंजी इस जीता है गार्डन में जाओ टोटल चेंज फाइन मूवी देखने जाओ वेरी गुड गो टू गोवा वेरी गुड आई डोंट डिनाई एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज़ आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग एवरी एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट बट अगर मुझे इटर्नल ब्लिस चाहिए इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए आई थिंक ओनली कनेक्शन विद गॉड एंड नॉलेज इन एवरी फेज ऑफ लाइफ गुड एंड बैड जब दुख होता है ना तो भगवान के पास जल्दी जाता है अरे सुख में भी याद कर लिया करो मेक इट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड यू सी द मैजिक तो वी आर अफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ यूनेस्को WHO हेल्थ वर्कर्स बहुत बेनिफिट लिया कोरोना के It was highly stressful, demanding okay. jobs. They would talk to us, learn meditation, do meditation, get better, tension, better relations. Bahut sari families touch me hai. Depend how to have more better relations with the spouse, with the husband.
this knowledge here, this meditation. How to be better individuals. In fact, how to be better people to create a better world. So our purpose hai Brahma Kumaris ka to create a better world. Right? Any task 93.